Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Today we are going to start class 7. This is your mathematics lecture. I hope you are fine at home. And chapter 4 again. The questions are for the topic of the chapter 4 is further expansion and factorization of algebraic expression. Okay? What is factorization definition? In the mathematics, factorization or factoring consists of writing a number or another mathematical object as a product of several factors. Different factors को product जब है उसके number के equal आता है mathematical काम में तो हम उसको कहते हैं कि we are factoring this product, this number. Usually smaller or simpler numbers, objects of the same kind. Okay? What is the factorization of algebraic expression? A number or quantity when multiplied with one with another number produces a given number or expression. For example, the 12 number has the factors 1, 2, 3, 4, 6 and 12. When 12 is multiplying with 1, then the answer is 12. 6 is multiplying with 2, then the answer is also 12. 3 and 4 multiply with each other and the answer is 12. So these are the factors of 12. Okay, then again here जब हम factors बनाते हैं तो होता क्या है, actually हमारे पास ये expression होता है x square plus cx plus d. अब इसमें से हमारे पास a और b, अगर हम जब last में लिखते हैं कोई भी two factors हम ऐसे बना लें, c को हम ऐसे break down कर दें कि उनको जब हम plus करते हैं तो हमारे पास c के equal है, और जब हम a और b को मल्टीप्लाई करें तो वो हमारे d वाले नंबर के इक्वल आए. दिस इज द अलजेब्रिक एक्सप्रेशन. इसको हमने ब्रेक डाउन करना है, c को ऐसे ब्रेक डाउन करना है कि टू फैक्टर्स हों a और b. व्हेन दे आर एडिंग विद ईच अदर देन द आंसर इज c, एंड व्हेन मल्टीप्लाइंग विद ईच अदर देन द आंसर इज d. ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर नाउ चैप्टर 4 एक्सरसाइज 4c. क्वेश्चन नंबर 1 एडी पार्ट एंड क्वेश्चन नंबर 2 अगेन एडी. अच्छा जी, आज हमारी न्यू एक्सरसाइज है, उसमें फिर हमारे पास फैक्टराइजेशन हम स्टार्ट कर रहे हैं. फैक्टराइज द फॉलोइंग, अगेन वी हैव द एक्सप्रेशन, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन. अब हमारे पास ये देखिए, सपोज दिस इज एक्स, सी एक्स, ठीक है, ये सी एक्स, ये एक्स है, ये सी एक्स है और ये डी है. सपोज अब डी जो है इसकी वैल्यू हमारे पास ऐसे आनी चाहिए कि हम सी के ऐसे पार्ट करें, कोई भी ए एंड बी टू पार्ट्स में ऐसे डिवाइड कर दें उनको कि उनको जब हम मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास वो इसके इक्वल आ जाए डी के, और जब हम उसको ऐड करें तो वो हमारे पास सी के इक्वल आ जाए. ओके, वो जो अभी हमने पीछे एग्जांपल में ये देखिए यहाँ पे पढ़ा था ए प्लस बी एडिंग equals to c and a plus b is when multiplying then the answer is d. अच्छा जी, अब हम 49 a square के factors ऐसे बनाएंगे कि हमारे पास 14 आ जाए. a square 49 कौन कौन से numbers को multiply करके आता है, 7 and 7, 7 और 7 को add करते हैं तो 14 हो जाता है. then 7 7 जो 49 है a, अब इसके हमने इसमें से कॉमन फाइंड करना है, इधर से ए कॉमन निकल आएगा फर्स्ट टू एक्सप्रेशन में से और लास्ट में से प्लस सेवन कॉमन निकल आएगा, ए प्लस सेवन एंड ए प्लस सेवन. नाउ सेम ब्रैकेट हमारे पास आ गए, अगर हमारे पास सेम ब्रैकेट आ जाती है तो हम उनको एज इट इज भी लिख सकते हैं. वी विल हैव टू राइट इन दिस फॉर्म, हम इसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं. सेम हेयर क्वेश्चन नंबर 1 का ये डी पार्ट है, यहाँ पे आपके पास है उनको मल्टीप्लाई. अच्छा, आप कभी फर्स्ट पे भी कोई नंबर फर्स्ट एक्सप्रेशन के साथ भी कोई कांस्टेंट के वेरिएबल के साथ कोई कांस्टेंट दिया होता है तो उसको हम मल्टीप्लाई कर देते हैं लास्ट वाले से, होता तो यही है ना. यहाँ भी देखें 49 को हमने ए स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया, यहाँ 25 को 4 से करते हैं तो 100 हो जाता है, के स्क्वायर और एच स्क्वायर, एच स्क्वायर एंड के स्क्वायर. अब हम इनके फैक्टर्स ऐसे बनाएंगे के 20 हमारे पास ऐड करके आ जाए और मल्टीप्लाई करके 100 आ जाए, तो 10 एच के प्लस 10 एच के, ओके 25 के स्क्वायर एज इट इज. अब यहाँ से कॉमन आ गया, 2 एच कॉमन ले लेंगे, 2 एच प्लस 5 के, यहाँ 5 के कॉमन आ गया, 2 एच प्लस 5 के, 2 एच प्लस 5 के एंड 2 एच प्लस 5 के, सेम आपके पास ब्रैकेट्स आ गई हैं, इनको हम होल स्क्वायर के साथ फर्स्ट आइडेंटिटी शो कर देंगे. ठीक है, नाउ एम स्क्वायर माइनस 10 एम
प्लस 25, आपके पास 25 एम स्क्वायर है एक्चुअली, लेकिन आपके पास उनको प्लस माइनस करने से माइनस 10 आना चाहिए। माइनस 10 कैसे आएगा? व्हेन वी मल्टीप्लाइंग माइनस 5 एम विद माइनस 5 एम, देन द आंसर इज 25 एम स्क्वायर, एंड एड व्हेन वी एड अप दिस माइनस 10 एम। ओके, ये दोनों माइनस के नंबर्स होंगे, जब माइनस के होंगे तो वो हमारे साइन अकॉर्डिंग टू देयर रूल, कि अगर बाहर माइनस का साइन हो तो अंदर भी चेंज हो जाता है। यहाँ पे आपने 5 ले लिया, m माइनस 5 हो गया, यहाँ भी m माइनस 5 हो गया। m माइनस 5 इज मल्टीप्लाइंग विद m माइनस 5, और अब टू सेम ब्रैकेट्स होती हैं तो हमको उनको होल स्क्वायर से भी शो कर देते हैं। सेम हियर 49 एक क्यू स्क्वायर है, इसके भी हमने फैक्टर्स ऐसे ही बनाए, 49 को 9 से मल्टीप्लाई किया तो 441 क्यू स्क्वायर आ उसके। अब कौन सा ऐसा नंबर है जिसको मल्टीप्लाई करें तो 42 बन जाए? जिनको मल्टीप्लाई करें तो 441 बने, और जो प्लस करें, प्लस और माइनस करते हैं तो माइनस 42 बने। तो फिर माइनस 21 को मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 21 से क्यू आर के साथ, हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 441 क्यू स्क्वायर आर स्क्वायर, और जब ऐड करेंगे तो माइनस 42 सेम साइन है ऐड होंगे और साइन माइनस आएगा, माइनस 42 क्यू आर। इसको हमने ऐसे लिख दिया, अब इसमें से कॉमन फाइंड कर लिया, और कॉमन फाइंड करके हम देख रहे हैं कि फिर हमारे पास सेम 7q-3r, इसको होल स्क्वायर से लिख देंगे, ये सेकेंड आइडेंटिटी के फैक्टराइजेशन हो गई। ओके,